हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हरदोस और मेरे चैनल टेक ज्ञान पर सबका स्वागत है। सो आज की वीडियो में अगेन हम बात करने वाले हैं जो इंटरेस्टिंग टेक न्यूज़ निकल के आई है उसके बारे में। हालांकि टेक न्यूज़ में आपको बताना शुरू करो उससे पहले जरूरी बात, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को, साथ ही में बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले उसको नोटिफिकेशन पहुँचा आप उस वीडियो को देख पाओ। साथ ही में अगर आपको मेरी ये मेहनत, ये एफर्ट, ये रिसर्च पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक ये वीडियो रिकमेंड हो और अगर उनको पसंद आए तो वो भी हमारी फैमिली का हिस्सा बन पाए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। चलिए अब देखते हैं कि आज क्या टेक न्यूज़ निकल के आई है। सो अब जिस पहले हम न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो है टिकटॉक के बारे में। टिकटॉक जो है अब ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने जो उनके जो गवर्नमेंट जो सांसद होते हैं हम कह सकते हैं पार्लियामेंट के जो मेंबर्स है सो उन सारे गवर्नमेंट लोगों के मोबाइल के अंदर जो अब टिकटॉक बैन कर दिया, यानी कि अब वो लोग भी जो टिकटॉक यूज़ नहीं कर पाएंगे। और अगेन ये भी जो किया गया फैसला वो है प्राइवेसी कंसर्न को लेके, जैसे पहले यूके ने किया, यूएस ने किया, अब जो ऑस्ट्रेलिया भी ऐसा कर रही है और न्यूजीलैंड ने भी ऐसा ही किया है कि अपने जो गवर्नमेंट वाले लोग हैं उनके अंदर जो है अब वो लोग टिकटॉक यूज़ नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ प्राइवेसी कंसर्न की डेटा कहीं से जो है वो लीक ना हो जाए किसी भी तरह का। उस वजह से ये काफ़ी अच्छा डिसीजन है, होना भी चाहिए, अगर आप लोगों को डाउट है सो वो डिसीजन जो अच्छा है वो लेना ही चाहिए। सो अब जिस न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो है आइकोनियो 8 प्रो स्मार्टफोन के बारे में। अब कहा जा रहा है कि डायमेंसिटी 9200 प्लस एसओसी के ऊपर जो है हमें ये स्मार्टफोन जब लॉन्च होगा तो रन करता होता हुआ हमें देखने को मिलने वाला है। ऐसा रिपोर्ट्स की माने रूमर्स ऐसे आ रहे हैं कि इस एसओसी के ऊपर रन करता हमें देखने को मिल सकता है। हालांकि ये एसओसी अभी तक अनाउंस नहीं हुआ, बट अनाउंस होगा उसके बाद हमें इस एसओसी के ऊपर जो है ये स्मार्टफोन लॉन्च होता देखने को मिल सकता है। साथ ही में उसकी और एक दो की स्पेक्स की बात करें तो कहा जा रहा है कि इसके अंदर हमें 1.5K रेजोल्यूशन वाला 6.78 इंच का एमोलेड डिस्प्ले में देखने को मिल सकता है। और हालांकि अगर बात करें आइकोनियो 7 की तो उसके अंदर जो है कंपनी ने ऑलरेडी 9000 प्लस एसओसी के ऊपर उसे लॉन्च किया है। सो हम कह सकते हैं कि शायद ऐसे चांसेस है कि 9200 प्लस एसओसी के ऊपर हमें वो स्मार्टफोन भी रन होता हुआ देखने को मिल सकता है। देखते हैं कि आगे इसके बारे में उन्हें क्या अपडेट्स मिल पाती है। तो अब जिस न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो है आसूस के आरओजी एली के बारे में, जो गेमिंग डिवाइस हम कह सकते हैं जिसका फोटो स्पेक्स जो है वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। कहा जा रहा है कि ये जो गेमिंग डिवाइस है इसके अंदर हमें डिस्प्ले जो मिलने वाला है वो 7 इंच का फुल एचडी प्लस आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट, 500 nits की ब्राइटनेस, साथ में विंडोज 11 का सपोर्ट, साथ ही में इसके अंदर 3.5mm ऑडियो जैक, माइक्रो एसडी स्लॉट भी हमें देखने को मिलने वाला, फिंगरप्रिंट स्कैनर, साथ ही में 65W चार्जिंग के साथ जो है आप इसे चार्ज कर पाओगे, USB टाइप सी का पोर्ट हमें इसमें देखने को मिलने वाला है। इसकी प्राइस जो है अभी तक कंफर्म नहीं हुआ इंडिया के लिए और कब तक अवेलेबल होगा वो भी अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, बट देखते हैं कि आगे इसके बारे में हमें क्या अपडेट्स मिल पाती है। सो अब जिस न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो रिलेटेड है एक यस्टरडे के न्यूज़ से, मैं बात कर रहा हूँ SBI की जो ऑनलाइन सर्विस जो है वो स्लो डाउन हो गई थी उसके बारे में है। सो SBI ने उसके ऊपर जो है अब कहा है कि एक टेक्निकल ग्लिच की वजह से जो है हमारी ऑनलाइन सर्विस जो है सारी वो सारी डाउन हो गई थी, बट नॉट इवन UPI और वेबसाइट कुछ भी नहीं चल रहा था। सो ये कोई छोटा मोटा ग्लिच तो हो नहीं सकता, बट ठीक है जब भी कुछ बड़ी बड़ी कंपनी ऐसा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होता है तो ग्लिच के नाम से जो है कह देती है, ओरिजिनल इशू जो है वो किसी को पता नहीं रहता है। तो होपफुली हम मान के चलते हैं कि शायद ये कोई टेक्निकल ग्लिच ही होगा जिसकी वजह से उन लोगों की सर्विसें डाउन हुई थी। सो अब जिस न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो है आइको के दो स्मार्टफोन के बारे में। सो वो दोनों ही स्मार्टफोन के फोटोज़ जो है वो मैं वन बाय वन आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। पहले बात करते हैं आइकोनियो 6 के बारे में। अब इसकी जो प्राइस है वो कट ऑफ होके हो चुकी है 24,999 और साथ ही में बात करें आइकोनियो SE 5G स्मार्टफोन की तो उसकी प्राइस भी जो है अब 39,990 से 27,990 हो चुकी है, जो स्नैपड्रैगन 888 के ऊपर रन करता है। ये दोनों की जो प्राइस कट डाउन हुई है इस प्राइस के अंदर मैं कहूँगा कि ये दोनों ही बेस्ट डील है, बेस्ट स्मार्टफोन है। अगर आप कोई नया स्मार्टफोन परचेस करना चाहते हो इस रेंज के अंदर तो काफ़ी अच्छी डील है, आप चाहो तो इसे फ्लिपकार्ट के ऊपर से जो है परचेस कर सकते हो। सो अब जिस न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो है सैमसंग के गैलेक्सी जेड फ्लिप 5 स्मार्टफोन के बारे में। यस्टरडे हमने उसके और एक डिज़ाइन सैंपल के बारे में बात की थी, अब उसी डिज़ाइन को लेकर जो है कुछ रेंडर सामने निकल के आए जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। पिस्टल ग्रीन कलर के अंदर हमें ये स्मार्टफोन देखने को मिल रहा है, साथ में जो बड़ी कवर डिस्प्ले वो भी आप देख पा रहे हो, साथ ही में जो मेन डिस्प्ले उसके अंदर हमें सेम एज इट इज़ जो है एक पंचोल कटआउट जो है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि अंडर डिस्प्ले कैमरा इसमें भी यूज़ करते तो काफ़ी अच्छा होता, बट देखते कि और टेक्निकल कौन से चेंजेस के साथ जो है हमें इस बार सैमसंग का गैलेक्सी जेड फ्लिप 5 जो है वो लॉन्च तो देखने को मिलता है। तो अब जिस न्यूज़ के बारे में बात करने वाले वो है सैमसंग के प्रोडक्ट के बारे में, मैं तो सैमसंग का टैब S9 Plus के बारे में। अब उसके कुछ स्पेक्स लीकों के सामने है, साथ में उसके कुछ रेंडर हमें मिले हैं जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ ऑनलीक्स की तरफ से, आप देख सकते हो फोटोज़ और मैं आपको स्पेक्स भी जो है वो स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। इसके अंदर 12.4 इंच का जो है हमें डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है एमोलेड डिस्प्ले, साथ ही में इंडस्पर फिंगरप्रिंट स्कैनर, स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 के ऊपर हमें यह रन करता देखने को मिल सकता है, ड्यूअल रियर कैमरा, सिंगल सेल्फी कैमरा, 10,800 mAh की मैसिव बैटरी, यानी कि ये जो टैब
S8 था उससे ज़्यादा जो हमें इस बार हमें बैटरी देखने को मिलने वाली है। 45 वाट का चार्जिंग, USB टाइप सी पोर्ट, IP67 का जो है रेटिंग हमें देखने को मिलने वाला है। साथ ही में क्वाड स्पीकर और साथ ही में एस पेन का सपोर्ट जो है वो भी आप फोटो में देख पा रहे होंगे। अब देखते हैं कि कौन सी प्राइस पे हमें आने वाले टाइम के अंदर ये सैमसंग की तरफ से जो टैब है वो हमें देखने को मिलता है। सो अब जिस न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो है अगेन एक सैमसंग के ही स्मार्टफोन के बारे में, और मैं बताऊँ सैमसंग S23 FE एडिशन के बारे में, जिसके कुछ स्पेक्स रूमर स्पेक है हम कह सकते हैं या फिर लीक स्पेक के नाम से भी आप जो है इसे सजेस्ट कर सकते हो। सो वो स्पेक्स जो है वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। कहा जा रहा है कि जो सैमसंग S23 FE है इसके अंदर हमें 6.4 का फुल HD प्लस जो है वो एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है। एक्जिनोस 2200 चिपसेट पे रन करेगा। 8GB रैम, 128GB स्टोरेज, 256GB तक की स्टोरेज हमें देखने को मिलने वाली है। कैमरे की बात करें तो 8 और 12 में से शायद हमें सेटअप जो है वो देखने को मिलना है, ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप। साथ ही में इसके अंदर में 4000mAh की बैटरी, 25 वाट का वायर चार्जिंग सपोर्ट, 15 वाट का हमें इसमें वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट जो है वो देखने को मिलेगा। डुअल स्टीरियो स्पीकर, डॉल्बी एटमोस का सपोर्ट, IP68 की रेटिंग, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और साथ ही में VC लिक्विड कूलिंग सिस्टम जो है वो हमें इसमें देखने को मिलने वाला है। सो अब इसे जो है लीक स्पेक है, यानी इसे एक रूमर की तरह ही आप लीजिए, कंफर्म नहीं है कि इसी स्पेक के साथ आएगा, बट चांसेस है कि इसी स्पेसिफिकेशन के साथ हमें S23 FE लॉन्च होते हुए देखने को मिल सकता है। सो अब जिस न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो है एक पोको के स्मार्टफोन के बारे में, और मैं कह रहा हूँ पोको C51 स्मार्टफोन। अब फ्लिपकार्ट के ऊपर जो है इसका एक ऐड देखा गया हुआ है, जिसके कुछ फोटोज और स्पेसिफिकेशन जो निकल के सामने है वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। कहा जा रहा है कि पोको C51 जो है जिसके अंदर जो है हमें 6.52 इंच का डिस्प्ले हमें देखने को मिलने वाला है। साथ ही में इसके अंदर हमें मीडियाटेक का हीलियो G36 प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है। 3 और 4GB रैम के अंदर हमें ये स्मार्टफोन देखने को मिलने वाला है, जिसमें 32GB स्टोरेज जो है इंटरनल स्टोरेज वो हमें देखने को मिलने वाली है, जिससे आप एक्सपांड कर पाओगे 1TB तक। साथ ही में एंड्रॉयड 13 गो एडिशन के ऊपर ये काम करने वाला है। ड्यूअल सिम का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। 8MP का हमें रियर कैमरा सेटअप, साथ ही में हमें 5MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलने वाला है। 3.5mm ऑडियो जैक, साथ ही में FM रेडियो और बाकी सारे जो है आप स्पेक्स इसमें पढ़ लेना। और 7 अप्रैल को ये इंडिया में लॉन्च होने वाला है। देखते हैं कि कौन सी प्राइस पे हमें लॉन्च तो देखने को मिलता है। तो अब जिस न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो है एक स्मार्ट वॉच के बारे में। तो नॉइस कलर फिट की जो Icon 3 वॉच है जो आज इंडिया में लॉन्च हो चुकी है, ये अपडेट हमें मिल पाए Y91 मोबाइल, जिसके स्पेक और फोटोज जो है वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। आप पढ़ लेना कि क्या क्या स्पेक्स जो है हमें इसमें देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही में मैं आपको बता दूँ कि 2000 के अंदर जो है हमें ये स्मार्ट वॉच जो है वो देखने को मिलने वाली है। कंपनी क्लेम करती है कि अप टू 7 डेज तक इसकी बैटरी लाइफ चलने वाली है। 4.85 सेंटीमीटर की डिस्प्ले हमें इसमें देखने को मिलने वाली है। पासकोड प्रोटेक्शन भी जो एप्पल वॉच और सैमसंग वॉच के अंदर देखने को मिलता है वो भी हमें इसमें देखने को मिलने वाला है। फ्लिपकार्ट और गोनोइज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेबसाइट के ऊपर से जो आप इसे परचेस कर पाओगे। साथ ही में 1999 इसकी प्राइस हमें देखने को मिलने वाली है। सो अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं, आपको पसंद आ रही है ये वॉच, तो आप इसे जो है ऑनलाइन परचेस कर सकते हो। सो अब जिस न्यूज़ के बारे में बात करने वाले सो वो है कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ को जो निकालने का ट्रेंड अभी चल रहा है, ट्रेंड नहीं कहूँगा, जिस तरह से रिसेशन है, कंपनी की वैल्यूज डाउन हुई है, तो कंपनी जो है अपने एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर रही है, उनको निकाल रही है। सो एप्पल ने पहले मना किया था, बट अब जो है एप्पल भी अपने कुछ एम्प्लॉयज़ को निकालने वाली है। और ये एम्प्लॉय कंपनी के अंदर नहीं है, बट कंपनी के जो रिटेल स्टोर्स होते हैं उसमें से जो अपने स्टाफ जो है अब वो कुछ थोड़ा ले ऑफ करने वाली है, जिस तरह से उसकी सेल्स हुई है। और इवन ये भी न्यूज़ निकल के आई है कि कंपनी ने जो है उनका M2 चिप सेट जो SoC है उसका प्रोडक्शन भी जो है अभी होल्ड पे रखा हुआ है, क्योंकि जिस तरह से मार्केट में उनके प्रोडक्ट की जो सेल की डिमांड है वो डिक्रीज हुई है, उस हिसाब से उन्होंने SoC का प्रोडक्शन भी जो है वो होल्ड पे रखवा दिया है। सो मे बी उस हिसाब से हो सकता है कि शायद कंपनी जो है अभी अपना रिटेल स्टाफ जो है वो कम कर रही है। सो अब जिस न्यूज़ के बारे में बात करने वाले वो है अगेन एप्पल के iPhones के बारे में। सो एप्पल iPhones का जो है 9 to 5 Mac की तरफ से जो है हमें एक रोड मैप देखने को मिला है कि कौन कौन से मॉडल के अंदर क्या क्या हमें कब चीज़ें देखने को मिलने वाली। तो वो रोड मैप जो है वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। तो पहले जो ऊपर है वो नॉन प्रो मॉडल्स है, जिसके अंदर आपको 2024 के अंदर पील और पील देखने को मिलने वाले, यानी कि जो आइसलैंड है वो देखने को मिलने वाला है। 2023 के अंदर भी 2025 2026 तक सेम हमें देखने को मिलने वाला है, कुछ रिजोल्यूशन डिस्प्ले जो है छोटा मोटा चेंजेस आता रहेगा। बट 2027 के अंदर जो है अंडर पैनल फेस आईडी प्लस होल और LTPO डिस्प्ले हमें देखने को मिलने वाला है। बट अब नीचे देखिए आप प्रो मॉडल्स जो है उसके अंदर कहा जा रहा है कि 2025 के अंदर ही हमें अंडर पैनल फेस आईडी प्लस होल देखने को मिलने वाला है, जो काफ़ी अच्छी बात है। यानी कि प्रो मॉडल्स के अंदर जो है हमें अंडर डिस्प्ले कैमरा जो है वो हमें देखने को मिलने वाला 2025 से ही। सो अब देखते हैं कि आगे इसके बारे में और हमें क्या अपडेट्स मिल पाती है, और क्या इस रोड मैप के हिसाब से हमें आगे सारी चीज़ देखने को मिलती है कि
नहीं। अब देखते हैं कि हालांकि आपका क्या सोचना है इस अंडर डिस्प्ले कैमरा के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन कमेंट करके ज़रूर बताएं। हालांकि इसी साल प्रो मॉडल्स के अंदर जो है एप्पल अपना प्राइस जो है वो बढ़ाने वाली है, एल्यूमिनियम की जगह टिटेनियम फ्रेम यूज़ करने वाली है। आप क्या सोचना है इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन कमेंट करके ज़रूर बताइए। सो अब जिस न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो है ट्विटर के बारे में। तो ट्विटर में जो है अब वो बर्ड की जगह पर आपको डॉज कॉइन, जो अगर आप क्रिप्टो के बारे में जानते हो तो उसमें एक डॉज कॉइन है। अब वो डॉज कॉइन जो है उसका प्रोफाइल पिक जो है ट्विटर का वो बन चुका है, काइंड ऑफ लोगो की तरह भी हमें देखने को मिल रहा है, जिसका एक दो फोटोज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। इवन ट्विटर के ऊपर आपको सर्च करते हो कुछ लोडिंग हो रहा है तभी भी आपको जो है बर्ड की जगह पे वो डॉज कॉइन वाला जो कुत्ता है वो आपको देखने को मिल रहा है। काफ़ी फनी सा है, पर मुझे लगता है कि जैसे कि ट्विटर की इज्जत ही निकाल दी गो। आपका क्या सोचना है इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। जो हम आखिरी अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं वो है वन प्लस के स्मार्टफोन के बारे में। मैं कहूँ वन प्लस नोट 3 5G स्मार्टफोन के बारे में है। अब ये TDRS सर्टिफिकेशन साथ ही में NBTC सर्टिफिकेशन के ऊपर देख चुका है, साथ ही में ये काफ़ी और सारी सर्टिफिकेशन वेबसाइट जो है वो क्लियर कर चुका है। यानी कि मान के चलिए इसका जो लॉन्च है वो कहा जा रहा है कि हमें बहुत जल्दी जो है इंडिया में देखने को मिलने वाले, जिसके कुछ स्पेक्स है जो हम एक्सपेक्टेड स्पेक्स है वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। कहा जा रहा है कि ये जो स्मार्टफोन है इसके इसके अंदर हमें 6.74 इंच का जो OLED डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है, और ये A2V जो स्मार्टफोन था उसी स्पेक्स के साथ ही आने वाला है। सो आप स्पेक्स से वाकिफ हो क्योंकि ये स्मार्टफोन के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। अब देखते हैं कि इसका जो लॉन्च है वो हमें कब तक देखने को मिलता है इंडिया के अंदर, कौन से प्राइस पे ये स्मार्टफोन लॉन्च होता है वो देखने को मिलता है। हालांकि आपका क्या सोचना है इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि और लोगों तक ये वीडियो रेकमेंड हो, उनको पसंद आए तो वो भी हमारी फैमिली का हिस्सा बन पाए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। हालांकि सब्सक्राइब करना फ्री है दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले उसको नोटिफिकेशन पहुँच जाए, आप उस वीडियो को देख पाओ। क्योंकि जल्दी से जल्दी मुझे 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचना है ताकि हम कोई छोटा मोटा गिव अवे कर लें हमारी टेकगेन फैमिली के लिए। साथ ही में अगर कुछ क्वेरी हो, कुछ पूछना चाहते हो तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर या फिर कू ऐप पे जाके टेकगेन सर्च कीजिए, फॉलो कीजिए, वहाँ पे भी प्यार दिखाइए अपना, और आप DM करके मुझसे पूछ सकते हो। अदरवाइज वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके कोई भी सवाल हो, कोई भी सजेशन हो तो वो भी आप मुझे दे सकते हो, मैं श्योर आपका रिप्लाई दूंगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।